Hello students, in the last video, we have studied the Fourier transform of standard rectangular function. Now, in this video, we will study the Fourier transform of standard Gaussian pulse. But before studying the Fourier transform of standard Gaussian pulse, we need to understand the two Fourier transform properties, that is time differentiation property and frequency differentiation property. So, first of all, हम understand करेंगे time differentiation property. तो ये property आपकी क्या होती है? अगर आपका xt का Fourier transform xf है, तो dxt by dt का Fourier transform क्या होगा? यही होती है हमारी time differentiation property. तो dxt by dt का Fourier transform हमारा होता है j 2 pi f xf. ठीक है? अगर xt का Fourier transform xf है, तो dxt by dt का Fourier transform होगा j 2 pi f xf. तो ये होती है time differentiation property. Similarly, आपकी एक और property होती है, वो होती है आपकी frequency differentiation property. ये क्या होती है हमारी? कि अगर आपका xt का Fourier transform xf है, तो minus j 2 pi t xt का Fourier transform क्या होगा? ये होता है हमारा d xf upon df. तो अगर आप इस तरफ, मतलब left hand side t से multiply करते हैं, तो Fourier side में आपका differentiation हो जाता है. Same, अगर आप Fourier side में f से multiply करते हैं, तो time के side में आपका differentiation हो जाता है. Okay? तो मैं आपके लिए दोनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन यहां प्रूफ करने जा रहा हूं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को. तो आप देखिए, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, हमें पता है कि xf जो होता है वो क्या होता है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट xt e की पावर माइनस j 2 पाई ft dt. क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट हमें पता है अच्छे से. लेकिन अगर हमें टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, तो हमें xt की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम dxt by dt कर पाएंगे. तो यहां पर मैं आपके लिए इनवर्स का फार्मूला लिख देता हूं, जो कि xt का फार्मूला होता है माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट xf e की पावर j 2 pi ft df. अब अगर मैं dxt by dt यहां पर आपके लिए परफॉर्म करूं, तो dxt by dt क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट. अब आप देखिए ध्यान से, हम यहां पर दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन को देखें, तो इंटीग्रेशन जो आपका राइट साइड में है वो आपका f के टर्म्स में है. दैट मींस आप d by dt को इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन है आपका एफ के रेस्पेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इंटीग्रेशन जो है वो एफ के रेस्पेक्ट में हो रहा है और जो डिफरेंशिएशन है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ई की पावर जे 2 पाई एफ टी का ही डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि सिर्फ ई की पावर जे 2 पाई एफ टी में ही टी का कोई टर्म है, अदरवाइज एक्सएफ डीएफ ये सारे एफ के टर्म्स में है आपके. तो अब अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूं, तो dxt by dt तो as it is रहेगा हमारा, यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए, minus infinite से plus infinite xf और e की power j theta का differentiation same होता है, e की power j theta, तो आप लिख सकते हैं e की power j 2 pi ft same हो जाएगा, but जब j 2 pi ft का करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा आपका j 2 pi f. clear है point अच्छे से? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि j 2 pi f का टर्म एक्स्ट्रा आ गया, मतलब dxt by dt यहां पर अगर आप परफॉर्म करते हैं, तो यहां पर आप देखिए dxt by dt करने से यहां पर आपका क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, xf into e की पावर j 2 pi ft into j 2 pi f into df. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपका जो j 2 pi f का टर्म है वो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है. तो यहां से आप क्लियरली प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं
dxt by dt का, तो एक्चुअल में आपका है वो xf into j 2 pi f, क्योंकि जब आप dxt by dt का इन्वर्स ले रहे हैं तो यहां पर xf सिर्फ नहीं है, xf into j 2 pi f है। देखिए आप ध्यान से, जब आप xt का इन्वर्स लेते हैं तो e की पावर j 2 pi f t तो आता ही है, वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के कारण एक्सपोनेंशियल का टर्म आना ही है, बट यहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ xf। लेकिन यहां पर देखिए e की पावर j 2 pi f t के साथ xf नहीं है, xf into j 2 pi f है, मतलब जो आपका dxt by dt का जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो xf नहीं है, वो क्या है, j 2 pi f into xf है। ये हमें क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब अगर मैं आपके लिए सेकंड प्रॉपर्टी को यहां पर प्रूफ कर दूं, तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर मैं अगर फिर से आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखूं, तो वो है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। नाउ अब अगर मैं बोथ साइड यहां पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूं एफ के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स एफ अपॉन डी एफ, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी, और आपको पता है एफ का टर्म सिर्फ और सिर्फ ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी में ही है। तो आप जैसे आपने लास्ट प्रॉपर्टी में किया था, आप इंटीग्रेशन के अंदर ले जाइए डी बाई डी एफ को, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है आपका टी के रेस्पेक्ट में, तो आप d बाई डी एफ को अंदर भी लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर आप देखिए, अब आपका हो जाएगा डी एक्स एफ अपॉन डी एफ, और राइट साइड में क्या हो जाएगा अब, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी, और e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी का क्या होगा, e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी, और क्योंकि आप f के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए माइनस जे टू पाई एफ टी का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस जे टू पाई टी, और लास्ट में आपका बच जाएगा डी टी। क्लियर है यहां तक अच्छे से? तो आप देखेंगे तो जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वहां पर जे टू पाई एफ बचा था, यहां पर क्या बचा, माइनस जे टू पाई टी बचा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक्स टी था, e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी तो हमेशा होगा, वो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के कारण आ रहा है, लेकिन जब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक्स टी था तो क्या आया, xf आया। अब इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी के अलावा माइनस जे टू पाई टी एक्स टी है, तो क्या आया, डी एक्स एफ बाई डी एफ आया, मतलब माइनस जे टू पाई टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा आपका वो हो जाएगा डी एक्स एफ अपॉन डी एफ। तो इस तरीके से हम दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? नाउ इन दो प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेने के बाद अब हम लोग स्टैंडर्ड गॉशियन पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड गॉशियन पल्स लिख दिया है। अब आज की वीडियो में हमारा टास्क है कि इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहां पर, अगर मैं सिंपली इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने जाऊं, जैसे कि हमें पता है xf क्या होता है, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी, देन e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है कि ये दो फंक्शन आपके अलग अलग हैं। या अगर यहां पर t होता आपका e की पावर माइनस पाई टी, तब तो आप पावर्स को ऐड वगैरह कर सकते थे, लेकिन यहां पर e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर है और एक है e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी, और आपका t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। तो दो आपके बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन है और दोनों ही e के फॉर्म में है, तो आप किसी को भी फर्स्ट या सेकेंड फंक्शन नहीं मान पाएंगे, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन इस तरह से चूज करना होता है कि वो एक या दो स्टेप के बाद आपका रिमूव हो जाए, लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। अगर आप बेसिकली टू फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे या उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अगर आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाते हैं तो। बट अगर मैं यहां पर
डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लूं जो मैंने अभी अभी स्टडी करी हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर डी एक्स टी बाई डी टी कैलकुलेट करूं इक्वेशन नंबर वन से, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पाई टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस टू पाई टी, टी स्क्वायर का टू टी होता है हमें पता है। अब आप देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फोरियर डी एक्स टी बाई डी टी देन फोरियर माइनस टू पाई टी ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। अब आप देखिए डी एक्स टी बाई डी टी का फोरियर हमें पता है, हमने अभी अभी स्टडी किया है क्या होता है, जे टू पाई एफ एक्स एफ, पर क्या इसका फोरियर हमें पता है। देखिए इसे तो आप एक्स टी लिख सकते हैं, जो e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर है, इस पूरे फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टू पाई टी e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर वन से आप लिख सकते हैं एक्स टी। तो क्या हमें माइनस टू पाई टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो आप बोलेंगे इसका तो नहीं पता लेकिन इससे मिलते जुलते टर्म का पता है। अभी अभी हमने देखा है कि माइनस जे टू पाई टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डी एक्स एफ अपॉन डी एफ। तो यहां पर देखिए यहां पर सिर्फ एक जे की कमी है, जे तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं यहां पर जे से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस साइड भी जे से मल्टीप्लाई करता हूं। जे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब आप देखिए डी एक्स टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे टू पाई एफ, एक एक्स्ट्रा जे ऑलरेडी है तो आप लिख दीजिए जे इंटू जे टू पाई एफ एक्स एफ, और आपका जो माइनस जे टू पाई टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा होता है डी एक्स एफ अपॉन डी एफ, ये भी हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जे स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू पाई एफ एक्स एफ, एंड राइट साइड में सेम रहेगा डी एक्स एफ अपॉन डी एफ। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क था जो इक्वेशन नंबर वन में हमें एक्स टी दिया है हमें उसके लिए एक्स एफ कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए एक्स एफ का टर्म आ गया है, बस आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहां पर बहुत आसानी से हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर डी एक्स एफ अपॉन एक्स एफ कर लूं, मतलब इस एक्स एफ को यहां भेज दूं और डी एफ को आपके इधर भेज दूं, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू पाई एफ इंटू डी एफ। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, जस्ट अरेंजमेंट की है मैंने। अब अगर आप समझे यहां पर, मैं अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं यहां पर, तो कितना होगा, डी एक्स एफ अपॉन एक्स एफ एंड माइनस टू पाई एफ डी एफ। पर हमें यह बात पता होनी चाहिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं उस पर्पस के लिए, तब हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट करना होता है। तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट कर दिया हूं प्लस सी। अब यहां पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक्स एफ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स एफ का, वन बाई एक्स एफ का एक्चुअल में। तो अगर आप बोलें वन बाई एक्स का हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे, क्या होता है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, एल एन एक्स, लॉग एक्स, लॉग ई एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स एफ, ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट साइड में। और अगर आप राइट साइड में देखें तो माइनस टू पाई तो कांस्टेंट है, तो आप एफ का कर रहे हैं डी एफ के रेस्पेक्ट में, ये बहुत इजी हो गया, एफ स्क्वायर बाय टू, तो टू टू कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, माइनस पाई एफ स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमने यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, लेकिन हमारा टास्क एल एन एक्स एफ कैलकुलेट करने का नहीं है, हमारा टास्क है एक्स एफ कैलकुलेट करने का। तो अगर मुझे एल एन हटाना है लेफ्ट साइड से, तो मुझे राइट साइड क्या करना पड़ेगा, ई की पावर, तो ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर ये मेरा एक्स एफ जो है वो कैलकुलेट हो गया, ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर प्लस सी। बट प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि
सी जो है यहां पर कांस्टेंट वो आपका अननोन है, तो हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो इसे मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। और यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट लगेगा सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वो कांसेप्ट आप स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करते हो, जो कि कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है गॉशियन पल्स का, ये जो गॉशियन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आप कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करते हो, इसे हम गॉशियन डेंसिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका गॉशियन डेंसिटी फंक्शन होता है, गॉशियन डेंसिटी फंक्शन और या कोई भी पीडीएफ या कोई भी डेंसिटी फंक्शन, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, वो ये है कि उसका एरिया हमेशा 1 होता है। तो e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो ऑलवेज आपका 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी किसी भी पीडीएफ की जो आप कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करोगे, ठीक है ना। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया मतलब इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमें कम्युनिकेशन में पता चलेगा और डिटेल में, लेकिन अभी हमें इसे यूज करना होगा। तो यहां पर अब आप देखिए, हमें लास्ट वीडियो में याद होना चाहिए कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में हम अगर f की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें मिल जाता है एरिया ऑफ xt। क्लियर है ना अच्छे से? फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में अगर बोथ साइड मैं f की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या मिलता है, एरिया ऑफ xt। या आप ये भी बोल सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में sinc t का इंटीग्रेशन निकाला था, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको xt का इंटीग्रेशन चाहिए और वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में f की जगह 0 पुट कर सकते हैं, xf की जगह x 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको इसी xt का इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1, क्योंकि गॉशियन डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको कैपिटल x 0 गिवन है। तो कैपिटल x 0 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में f की वैल्यू 0 पुट करूं बोथ साइड, तो फ्रॉम 2 f की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल x 0 जो कि आपका 1 है इक्वल टू e की पावर c हो जाएगा। देखिए यहां पर e की पावर माइनस पाई f स्क्वायर प्लस c है, तो अगर आप f की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ e की पावर c। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि e की पावर c 1 के इक्वल है, मतलब c किसके इक्वल होगा, बहुत आसान है, 0 के इक्वल, क्योंकि e की पावर 0 ही 1 होता है। तो यहां से c आपका आ गया 0 और फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन आपका जो xf है वो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू 0 ले लें तो e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर, तो हमारा xf आ गया e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं xf की वैल्यू वाई पुटिंग c इक्वल टू 0। क्लियर है अच्छे से? तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का आता है e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। इसे याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर, जस्ट t की जगह f हो गया, तो इसे आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहां पर, जो कि है आपका xt इज इक्वल टू e की पावर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करिए, और मैं यहां पर ये चाहता हूं कि हम लोग वापस से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई ना करें, या वापस से जो डिफरेंशिएशन हमने किया है वो सब अप्लाई ना करें, ठीक है ना, हम ये पूरा प्रोसेस ना करें जो भी हमने स्टडी किया है पीछे। मैंने आपको इसलिए एक बार दिखा दिया वापस से कि ये कोई भी प्रोसेस हम अप्लाई ना करें, हम सिर्फ
इस फाइनल रिजल्ट का यूज करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस फाइनल रिजल्ट का यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इस बात को समझिए। यहां पर अगर आप देखेंगे इस फाइनल रिजल्ट में, तो e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर है, तो पाई का टर्म होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो पाई है नहीं, यहां पर तो बी स्क्वायर है, और b इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, b कैन बी एनीथिंग। अगर आप b स्क्वायर की वैल्यू पाई ले लें, तब आपका लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, लेकिन फिर वो जनरलाइज केस नहीं हो पाएगा ना, हमें तो b की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर बताना है। तो फिर किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लास्ट रिजल्ट को, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पर अगर मैं यहां पर इसे इस तरीके से लिख दूं, जो हमारा एग्जाम्पल है xt इक्वल टू e की पावर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर e की पावर माइनस पाई, हमें पाई चाहिए, इस बात को समझना होगा, तो पाई टी स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं पाई लेते हैं यहां पर, और यहां पर क्या लिख लेते हैं बी टी अपॉन अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो रूट पाई का स्क्वायर कितना होगा हमारा, पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसल, और वापस से क्या बच जाएगा e की पावर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो चेंज हुआ है लास्ट क्वेश्चन से, e की पावर माइनस पाई लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ टी स्क्वायर था, यहां पर आप देखिए t के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है b अपॉन रूट पाई का, तो यहां पर t के साथ जब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो हम किस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर सकते हैं, यह हमें अब समझना होगा। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं की है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या है कि अगर आपका xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है, और अगर आप t की जगह kt कर दें, मतलब किसी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें अपने t को, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ k x ऑफ f बाई k, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी मैं पहले आपके लिए प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। क्लियर है पॉइंट? तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ पहले। तो हमें पता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी dt। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं kt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, दैट मींस x ऑफ kt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, तो देखिए फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, मैं अब x ऑफ kt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर xt की जगह x ऑफ kt यूज करूंगा मैं। हमारे पास ये जो पहला फॉर्मूला है वो रेफरेंस है, ठीक है ना, तो इसे मैं नाम दे देता हूं x1f। तो xf जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो xt का है, x1f जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो x ऑफ kt का है। तो यहां पर अब आप देखिए मुझे x1f को xf के फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहां पर kt को y मान लेता हूं या z मान लेता हूं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो kt इज इक्वल टू z। तो यहां पर जो आपका dt है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई के dz, और जो आपकी t की लिमिट है वो जब माइनस इन्फिनिटी होगी तो z भी हमारा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि k तो कांस्टेंट है, और जब t की लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी तो z भी हमारा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि k आपका कांस्टेंट है अगेन। और यहां पर अब आप देखिए x1f क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट्स आर सेम, x ऑफ z e की पावर। अब आप देखिए आपको kt इक्वल टू z लेना है ना, मतलब t की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, z बाई k, ठीक है, तो e की पावर माइनस j 2 पाई f z बाई k,
और साथ ही साथ dt की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 by k dz, तो 1 by k आपका आउटसाइड हो जाएगा, तो 1 by k dz, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें और अगर आप xf वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कई बार बोला हुआ है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है आंसर की। तो यहां पर देखिए xt की जगह xz है, बिल्कुल सेम है, dt की जगह dz है, कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर माइनस j 2 पाई ft, e की पावर माइनस j 2 पाई fz होना चाहिए था खाली, क्योंकि t की जगह z है, लेकिन यहां पर by k भी आ रहा है, मतलब f की जगह आ रहा है f by k, क्लियर है अच्छे से। एक्चुअल में हमने z by k पुट किया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, e की पावर माइनस j 2 पाई ft, तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा k आ रहा है, तो f की जगह हो रहा है f by k, और आप देख सकते हैं बाहर आपका क्या आया है, 1 by k आया है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो आपका x1 f है, f की जगह f by k है और सामने बाहर है 1 by k, तो आप क्या लिखेंगे, 1 by k x of f by k। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसे समझना जरूरी है हमें। मान लीजिए k अगर यहां पर आपका नेगेटिव होता, तो यहां पर माइनस के टी इक्वल टू जेड लेते, तो dt क्या होता, माइनस 1 by k into dz, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा इसे कि जो लिमिट्स है ना आपकी, वो भी चेंज हो जाती और सामने माइनस साइन भी आता, तो लिमिट को जब आप दोबारा चेंज करते, देख लीजिए जब माइनस के टी होता तो t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी के लिए z हो जाता प्लस इंफिनिटी, तो लोअर लिमिट होती इंफिनिटी, अपर लिमिट होती माइनस इंफिनिटी, तो उसके कारण से क्या हो जाता आपका, उसके कारण से आपका माइनस साइन आपको कॉमन लेना पड़ता, तो माइनस साइन यहां पर भी रहता और माइनस आप कॉमन लेते अपर और लोअर लिमिट को चेंज करने के लिए, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर आपको लिखाया है 1 अपॉन मॉड ऑफ k, अंदर तो वही रहेगा f by k, k नेगेटिव होगा तो अंदर नेगेटिव होगा, k पॉजिटिव होगा तो अंदर पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर में हमेशा क्या होगा आपका, 1 अपॉन मॉड ऑफ k ही होगा। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप इसे करके देख सकते हैं, आप यहां k की जगह माइनस k ले लीजिए और पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ ये जो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली है, अब मैं वापस से अपने क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन में हम लोगों ने यहां तक एडजस्टमेंट कर ली थी, e की पावर माइनस पाई बी अपॉन रूट पाई इंटू टी का होल स्क्वायर, तो आप देखिए आपको e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का पता है, तो यहां पर आप देखेंगे e की पावर माइनस पाई टी की जगह हो रहा है के टी, टी स्क्वायर की जगह है के टी का स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है बी अपॉन रूट पाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, 1 अपॉन के एक्स एफ बाई के। तो हम यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, देखिए आप यहां पर हमारा एक्स एफ हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है 1 बाई के, 1 बाई के, तो के क्या है हमारा बी अपॉन रूट पाई, तो आप क्या लिखेंगे रूट पाई अपॉन के, देन एक्स ऑफ एफ बाई के, सबसे पहले एक्स एफ क्या है हमारा, एक्स एफ है e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर, तो हमें क्या करना है e की पावर माइनस पाई, अब क्या करना है f की जगह f बाई के, तो f बाई के मतलब आपका रूट पाई ऊपर चला जाएगा, बाई कितना हो जाएगा आपका, यहां पर एक्चुअल में हम लोगों ने b लिया था ना, तो आप इसे b कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, है आपका कॉन्स्टेंट ही, तो f बाय b, टोटल क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर देख लीजिए फिर से आप, k की वैल्यू है आपकी b अपॉन रूट पाई, तो यहां पर क्या हो जाएगी 1 बाई के, मतलब रूट पाई अपॉन b, e की पावर माइनस पाई f बाय k, तो आपका हो जाएगा रूट पाई f अपॉन b का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब आप देखिए एक्स एफ क्या आएगा, रूट पाई अपॉन b e की पावर, देखिए रूट पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई, तो e की पावर माइनस पाई स्क्वायर f स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर,
तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा xf का, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। अब अगर इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं एक स्पेशल केस ले लूं, ध्यान से देखिए आप, हमारा एग्जांपल क्या था, e की पावर -b² t², इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिख लिया अभी, क्लियर है अच्छे से। तो मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूं, e की पावर -b² t² का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया हम लोग का, √π/b e की पावर -π² f² / b². तो वो स्पेशल केस क्या है, अगर मैं b² की जगह पाई ले लूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर -πt² फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा। देखिए b² की जगह आपने पाई लिया तो b की जगह क्या ले लेंगे आप, √π, तो √π कैंसिल, e की पावर -πx² f² / b², तो b² की जगह आपने क्या लिखा है, पाई, तो एक एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है e की पावर -πt² का, वो क्या आ जाएगा, e की पावर -πf² तो वही फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया जिससे हमने आज शुरुआत की थी। तो क्लियर है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का यूज बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोगों ने यहां तीन प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की और गॉसियन पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म अंडरस्टैंड किया। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू।